हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनीज रबाब किचन। आज मैं आपके सामने पेशावरी चपली कबाब बनाने जा रही हूँ। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं। कीमा बारीक 800 ग्राम और उसमें 200 ग्राम चर्बी। मैंने गोश्त लिया है, मैं इसका खुद से बारीक कीमा घर में बनाऊंगी, क्योंकि वह कीमा मोटा होता है और फिर से उसको बारीक करना पड़ता है। इस तरह से मैंने ये बना कर रख लिया है। और इसके साथ एक किलो कीमे में आधा किलो प्याज, बहुत ही बारीक कटी हुई, इस तरह से बारीक मैंने प्याज काट के उसमें मसल दिए। 8-10 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 100 ग्राम आटा, वाइट आटा, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अजवाइन, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से इसमें शामिल करेंगे कि बिल्कुल एकजा हो जाएं और उसको बराबर से मसलते ही रहेंगे। जितना ज़्यादा उसको मैश करेंगे उतने अच्छे सॉफ्ट कबाब बनेंगे। इसमें हमने प्याज पहले से मिला दी थी, थोड़ी और मिला रहे हैं और ये सारे मसाले इसमें हम मिला रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से मैश करना चाहिए। अब इसमें आटा मिलाया और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से सब चीज़ें इसकी मिक्स हो गई हैं। अब सबसे लास्ट में मक्के का आटा मिलाएंगे। ये इसलिए मिलाया जाता है कि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, और इसलिए बाद में मिलाया जाता है कि तलने के बाद ये अच्छा अपना क्रिस्पी दे। ये अब तैयार हो गया है। इसमें ऑयल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद इसको मीडियम कर देंगे। हाथ में पानी या तेल लगा लें। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें कबाब ऐड करेंगे। इसको डाल के ही सुस्ता दिया जाता है और हल्की हल्की आंच पर इसको सेकेंगे। दूसरा कबाब डाला, मिक्स कर दिया।
इसको फौरन नहीं पलटेंगे, जब नीचे से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसको पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से बनाएंगे। ये देखिए डालने के बाद मैं पका देती हूँ इसे। इतनी आसानी से सारे कबाब बन गए। ये भी बन गया। धीरे धीरे नीचे से ब्राउन हो रहा है, जब अच्छे से हो जाएगा तब इसको पलटेंगे। बार बार पलटने पलटने से इसके टूट भी सकते हैं ये। ये देखिए इसका कलर आ रहा है। बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका। धीरे धीरे सभी कबाब तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं टूटे हैं, बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो रहे हैं। ये कबाब अब बनकर तैयार हो गए हैं प्लेटिंग के लिए। इसकी अभी प्लेटिंग करेंगे। अब आप देख सकती हैं हमारा पेशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हुआ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, देखने में बहुत यम्मी, खाने में बहुत मस्त है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।